चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि रंजन और आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम जनता टीवी पर, नाम है ब्लैक बॉक्स। इन नेताओं को जरा गंभीरता से देखते रहिए, मक्खियां कहाँ हैं और किनके राज में कितनी मक्खियां थी वो सब नोट करते रहिए सर। इलेक्शन के वक्त में वो मक्खियां इनके पीछे छोड़ देंगे, फिर ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ भागे फिरते हैं। जरा कालका से भी लव लेटर है और जरा उसकी भी बात कर लें। सर सुनिएगा, आपसे ही शुरू करते हैं सर, है ना? वो आप साइकिल पर सवार हैं तो मैं कहता हूँ इधर से ही चल लूँ। HMT बंद होने से 40,000 लोग बेरोजगार हुए, ये सवाल कांग्रेस और BJP वालों से खासकर पूछिएगा। पंचकूला नगर निगम के 6 वार्ड कालका पिंजौर में आते हैं, इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार होता है। पूछिएगा कि हमने क्या गुस्ताखी की है, पूछिएगा कि क्या हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया या हमने BJP को वोट नहीं दिया। मोरनी इलाके के गांव में बिजली पानी नहीं पहुंचा, सरकारी अनदेखी के चलते मोरनी हिल एरिया पर्यटन क्षेत्र नहीं बन पाया। राय पुरानी इलाके के लिए घोषणा तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुए। 2017 में नितिन गडकरी ने सूखो माजरी बाईपास का शिलान्यास किया था लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, इससे पिंजौर क्षेत्र में जाम लगा रहता है। ऐसा कि जहां तक आपने HMT की बात की, ये HMT जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से शुरू हुई थी और आज इस पिछले 5-7 साल में इस HMT घाटे का सौदा था, परंतु कांग्रेस की गवर्नमेंट में, क्योंकि हजारों लोग वहाँ, उनका जीवन यापन उससे चलता है, वहाँ पे नौकरी करते हैं लोग, 500 करोड़ रुपया कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसको दोबारा चलाने के लिए दिया गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते हुए इन्होंने HMT को बंद करने का काम किया और उस जमीन को, जो सुनने में आया कि आने वाले बिल्डरों को देंगे, और वो क्योंकि वहाँ से कई लोगों का, हजारों लोग वहाँ से जो बुजुर्ग मतलब हो गए, जो रिटायर हुए थे, हाँ। और HMT को बचाना, वो एक ही प्रोजेक्ट था हमारे पास, इन्होंने रोजगार का वादा किया था, परंतु रोजगार छोड़िए, इन्होंने वहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। रोजगार तो इन्होंने IT सेक्टर में भी कहा था कि हम मोहाली से बेटर IT सेक्टर बना देंगे। HMT वाले जमीन को बिल्डरों को देने के, फिर सरकार इसमें करेगी ना, HMT वाले क्या, HMT तो नौकरी करते थे, उनको सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए था उनको किसी भी हिसाब से बचाए, इतना पुराना पंचकूला में एक ही प्रोजेक्ट था, वो बिल्डरों को दे रहे हैं वो जमीन, उनको और क्या करना है, आपका वाला रोग उधर भी ट्रांसफर। हमारा रुख, हमारा रुख नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्होंने जो प्रचार कर रखा है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर ये भारत BJP भारतीय जांच पार्टी बन चुकी है, 4 साल से ये जांच ही करते आ रहे हैं, जब इनकी निलायकियां लोगों के सामने आती है, कोई बड़ा मुद्दा आता है तो CBI का एक डर दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये होने वाला है। अभी तक 4 साल में क्या हुआ? अगर कोई भी दोषी पाता है, नहीं, जो दोषी है, मैं तो कहता हूँ अगर 6 महीने, 4 साल क्यों लग गए, 6 महीने में कैसे होगा वो? नहीं नहीं, जांच भारतीय, BJP का नाम भारतीय जांच पार्टी हो गया, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा तो सर, अगर आपने गड़बड़ नहीं, नहीं मैं तो कह रहा हूँ, डरते क्यों? मैं कौन डर रहा है? अगर जिसने भी गड़बड़ किया है जनता के सामने लाओ और उसको सजा दो, परंतु ये प्रचार बार बार ना करो, जनता को भ्रमित ना करो इस बातों पे लेके। तो गुप्ता जी तैयार, गुप्ता जी तो कई तरह से, गुप्ता जी तो जो वादे किए थे उसके लिए भी प्रचार थे। सुनो ये यू टर्न की सरकार है, यहाँ पंचकूला में आप सबसे इम्पोर्टेंट, जो 25-26 अगस्त को दंगे हुए, जहां इतने लोग मारे, शांत प्रिय एरिया जहां पे लाखों लोग की तादाद में लोग, आर्मी ने गोलियां चलाई, बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, आग की लपेटों में आ गया यह सारा पंचकूला, उसके लिए कौन जिम्मेवार था? और माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने इंटरफेयर करके बचाने का काम किया, इन्होंने वो भी जला दिया था। मैं कहता हूँ कि जाट आंदोलन है, चाहे पंचकूला में बाबा राम रहीम का हुआ, बाबा राम रहीम के यहाँ इनके लोग सस्ता नहीं, नहीं, उसके बाद आज सरकार में उनकी वजह से, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है बिल्कुल। तो और इनके मंत्री उसी दिन नतमस्तक होके वहाँ घूम रहे थे, जनता को इन्होंने प्रॉपर्टी पे नहीं रखा। ये थर्ड सुन लेते हैं सर, ये ब्लैक बॉक्स वाणी है। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीटों के तीसरे राउंड के रुझान आ चुके हैं। रुझानों के मुताबिक यहाँ की दोनों सीटों पर BJP ने बढ़त बना ली है। ये तो बहुत उलट फेर का मसला है और ये दूसरे राउंड में कांग्रेस दोनों सीटों पे बढ़त बना रही थी, तीसरे राउंड में अब BJP दोनों सीटों पे बढ़त बना रही है। पहले राउंड में 1 BJP 1 कांग्रेस 1 सीट पे बढ़त बना रही थी। फोर्थ राउंड नजर रखिए, BP की दवा भी तैयार रखिए जी।
मेरा तो यही कहना है कि एचएमटी की जो मांग है वो सबसे बड़ा, इन्होंने रोजगार वहां ना देके उल्टा लोगों को बेरोजगार किया है। एचएमटी को केंद्र को मदद देनी चाहिए थी, इनके विधायकों को उसकी मांग रखनी चाहिए थी, मेंबर पार्लियामेंट को मांग रखनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी सीमा जी, ये सुन लिया आपने, लव लेटर है ये कालका से, पार्टियां आती हैं चली जाती हैं लेकिन इलाका वही रह जाता है, समस्याएं वही रह जाती हैं। नहीं, समस्या तो जी कालका में है बहुत, जैसे एचएमटी फैक्ट्री बंद होने का सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहाँ फैली। मैं उनसे पूछ नहीं पाया है ना, वो आपसे पूछ लेता हूँ, अगर एचएमटी बंद हो रही है तो मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया हो कि सरकार झुक गई हो, मुझे तो नहीं आइडिया है कि ना INLD ने ना जी, पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी मैडम शैलजा को काफी बार उन लोगों ने दिया है, और HMT का मसला कि और शैलजा के बीच में क्या हुआ था ये भी सब लोग जानते हैं। केंद्र सरकार ने तब भी क्योंकि थी समस्या थी HMT की, लेकिन ये कहानी पता है ना आपको, HMT से जुड़ी हुई कहानी क्या, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अंदर की बातें आपको ज्यादा पता होती, हमें नहीं पता, हमने तो जनता को जो उसका राहत दी वो हमें पता है। कांग्रेस सरकार में ठीक है, इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए, INLD की तरफ से मुझे बताइए कोई ऐसा बाउंडर खड़ा कर दिया हो कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। हमारे संसद में जब भी विधानसभा में जब भी मुद्दा होता है, स्टेटमेंट दे दिया आपने, मुद्दा उठाते हैं जब भी, पंचकुला में कोई इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया हो। नहीं, कोई भी जब मुद्दा होता है तो जनआंदोलन तो होता ही है, चाहे किसी का हो, चाहे महिला सुरक्षा का ले लो, चाहे सरपंचों की बात, कोई भी मामला ले लो, तभी हम। लेकिन आप कालका में अगर हैं तो ये आपकी आपका दायित्व तो बनता है कि आप इस पर बुलंद आवाज उठाएं और सरकार को विवश कर दें। काफी बार वहाँ मुद्दा उठाया है विधानसभा में भी कि HMT फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, पर बार बार पुकारने में कोई सुनवाई नहीं वहाँ होती। गुप्ता जी ठीक है, उनसे तो जो मैं पूछ रहा था, लेकिन ये आपने भी तो कहा था सर, चुनाव के पहले मैंने कई कार्यक्रम किए हैं और कई नेताओं से बातचीत हुई है, ये HMT का मसला BJP वाले जितना जोर शोर से उठाते थे अब उस पर कुछ नहीं कोई बोलता है। देखिए HMT का मसला ये कोई एक दिन का, ये एक सरकार का मसला नहीं है। HMT को बंद करने के लिए पिछले लगभग 25 साल से जो वहाँ पर घाटे की व्यवस्था चल रही थी उसको देख करके पिछली सरकारों ने भी इसको बंद करने का ही फैसला तो किया। लेकिन क्यों कहते थे आप? नहीं देखिए, आज आप ये कहते थे नहीं, हमने किया मैं क्या HMT को जिंदा देखिए, आज उसका देखिए, उसका देखिए, उसकी मुझे याद है, आप उसके लिए क्या हम यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट और बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमने केंद्र से पैसा भी दिलवाया, 300 करोड़ रुपया दिलवाया, और उसके अलावा जो HMT के अंदर एक यूनिट है वो फंक्शनल रहेगा, इस बात का निर्णय भी हमने कहा है कि वो बंद नहीं होगा किसी भी कीमत के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो HMT एम्प्लाइज हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो ट्रैक्टर का एक पार्ट्स का वो जो है वो काम करता रहेगा। दूसरा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप किया है इस इलाके के साथ। दूसरी बड़ी फैक्ट्री थी सूरजपुर फैक्ट्री, वो सूरजपुर फैक्ट्री जो है वो क्यों बंद हुई? आज सूरज फैक्ट्री का नाम नहीं है, वहाँ पर हजारों एम्प्लॉयज हजारों लोग काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद हुई, HMT फैक्ट्री बंद हुई, ये HMT सारा कांग्रेस के राज का कांग्रेस के राज के अंदर हुआ है। आपसी लड़ाई के अंदर आपसे लड़ाई शैलजा और हुड्डा जी की लड़ाई के कारण वो फैक्ट्री बंद हुई है, वरना वो बंद ना होती। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नहीं बिल्कुल, हमने तो उसको सर्वाइव किया, हमने तो अब जाकर के उनको कहा कि ये झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल आपके राज में बंद हुई और आपके टाइम में बंद हुई है। आपके टाइम फैक्ट्री का जो एक हिस्सा वो चल रहा है, आपके क्या चल रहा है किस्सा? वहाँ का HMT वाले वैसे ही इतना प्रोटेस्ट वैसे ही हो गया, कहाँ हुए नहीं, आपने कौन सा रोजगार, आपने बेरोजगार इतने प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे, आपके कानों तक वो बात नहीं पहुँची? बिल्कुल पहुँची हुई है, हमने करवाया, पहुँची हुई है तो आपने जो हमारी विधायिका है लतिका शर्मा जी, जो 3 बार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ गई और आपने जाकर के उनको को लेकर के गई और वो फाइलों में है, जाकर बस यही आपके पास बात है। आज उसी का परिणाम है कि HMT बंद होगी, पैसे मिलना बंद नहीं हुई है, बिल्कुल परिणाम यही है, आपका परिणाम लोगों ने देख लिया। वो उसका 25 सालों की तुम्हारी जो सियासत थी, चाहे वो कांग्रेस उनको तो हटा दिया, आपको लोगों ने पनिशमेंट दे दिया, हमने उसको पूछना बंद करो, अपना राज की बात करो। हमने उनको सर, अच्छा मेजरी जितनी याददाश्त है,
आप ये कहते थे ना कि ये HMT बंद नहीं होगा, चलेगा और इसमें हम रोजगार बढ़ाएंगे। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, चुनाव में आप लोग कहते थे ना ये बात चुनाव के पहले। उसको रोका है, बंद होने से रोका है, एक यूनिट को वहाँ पर सरवाइव किया है, उसके अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं, उसको यूनिट बंद नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने बात कही, मेरे दोस्त हैं भंडारी जी, कि ये शायद जमीन जो है बिल्डर्स को दे देंगे। बिल्डर्स का तो मामला ये इनकी वो जो है कांग्रेस पार्टी जानती है कि बिल्डर्स को किस तरीके से, चाहे वो मनेसर के अंदर है, चाहे वो आज जिस प्रकार से मनास मनेसर के अंदर वो सामने नजर आ रहा है कि किस बात किस तरीके से आज जिस तरीके से ये कौन सी पहाड़ी कह रहे हैं? गवाल पहाड़ी। गवाल पहाड़ी का क्या है? मसला बताएं ना, क्या तो टेस्ट हुआ वहां चंडीगढ़ में आपने, उसके ऊपर समझे नहीं? आपके एमएलए ने, हमारे एमएलए ने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही तो हमारे हमारी स्वतंत्रता हमारी पार्टी के अंदर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन ग्वाल पहाड़ी के मामले के अंदर हमने तुरंत निर्णय लिया, जो जमींदारों की जमीन थी 300 एकड़, वो जो बावल के अंदर जमीन थी उनको वापस कराई है, उनको जमीन वापस मिली है। और जो ये जो मानेसर का मामला है, मानेसर लैंड डील का मामला है, ये बिल्कुल बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। वो मानेसर कर लेंगे की बात कर रहा हूँ। ये 2017 में सुन लिया मैंने और पब्लिक भी समझ गई होगी सर, पब्लिक को आजकल इंडस्ट्रियल हब बने उसके लिए हमने कहा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं ताकि वहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ पर इस प्रकार के 3 साल अगर मैं ये कार्यक्रम आपके सरकार बनने के 6 महीने के बाद कर रहा होता तो मैं ये आपकी बात सुनता। आप 3-4 साल जब इलेक्शन सर पे है तो मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगा क्या कर रहे हैं, मैं तो एंड रिजल्ट पूछूंगा। देखिए एंड रिजल्ट आने में समय लगता है, मतलब वहां पर तक आ जाएगा 2022 तक, बिल्कुल मक्खियां भागेंगी 2022 रोजगार बढ़ेगा 2022। हमने HMT के ऊपर एक उन्होंने सुखोमाजरी बाईपास की बात कही थी कि वो शुरू नहीं हुआ, सुखोमाजरी बाईपास का काम शुरू हो चुका है 2017 में, नितिन गडकरी जी ने बाईपास का शिलान्यास किया, शुरू हो चुका है काम। और दूसरी बात ये कि अभी वहाँ पर एक गडकरी जी ने अनाउंस किया था कि जो अमरावती एनक्लेव है उसके ऊपर पुल बनना है, वो काम शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सब शुरू हो गया है, जितने पब्लिक देख रही है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके तो कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपके फाइल में है या धरातल पे काम शुरू हुआ? धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, हम तो कट-कट बात करते हैं, धरातल के ऊपर काम शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ बाईपास पे? जैसे जो है बड़ा प्रोजेक्ट आता है वही रहते हैं हम लोग, कहाँ शुरू हुआ? बाईपास ओवरनाइट नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पे रोड़ा में नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, गिर गया होगा ना, वहाँ बुलडोजर पहुँच गया होगा। देखिए जो कोई ध्यान दीजिएगा सर, हाँ पब्लिक सुन रही है, मैं कह रहा हूं वही की पब्लिक सुन रही है। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जो भी हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं वो हर हालत में शुरू होंगे और पूरे होंगे, केवल हम पत्थर होंगे 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 सर, मेरा इंटरेस्ट होंगे में है ही नहीं, नहीं होंगे हर हालत में होंगे। हाँ मेरा तो है कि क्या हो गया सर, 3.5-4 साल के बाद मैं होंगे वाले होंगे वाले मोड में नहीं बताता हूँ। दूसरी बात ये बिजली की बात कर, 24 घंटे बिजली आज कालका की ढाणियों के अंदर 24 घंटे बिजली दी है, वो हमने दी है, यहाँ पर 6-6 घंटे इस बात का मैं जवाब दूंगा, 6-6 घंटे इसका मैं जवाब जल्दी से। हरियाणा पंचकूला में 5.25 रुपए यूनिट पर यूनिट लोगों को मिलता चार्ज, और इतिहास में आज तक 40% दाम जो बढ़ाए वो भारतीय जनता पार्टी 8.40 रुपए रेट कर दिया, जो वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। एक भी यूनिट इन्होंने 4 साल में पैदा किया हो ये बता दें, इन्होंने जो हमारे प्रोजेक्ट चलाए थे झाड़ी प्रोजेक्ट को, सुनो झाड़ी प्रोजेक्ट को महंगा बेच रहे हैं कि सरप्लस बिजली है, और अदानी से जो हमने 2.23 रुपए में यूनिट पे बिजली खरीदी थी उसको 2.87 रुपए इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ के किया, इन्होंने अडानी को फायदा किया। ये लोग आज बिजनेसमैन बड़े बड़े घरानों की पार्टी है, इन्होंने लोगों को 40% ज्यादा बिजली के दाम देने पे मजबूर किया, जो लोग वहाँ के बिजली के बिल लाइन में खड़े होके देते हैं, लाइन में खड़े होके सस्ती लेके आ रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, 8 रुपए 8.25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी क्या आप लोग? नहीं नहीं मैं महंगी नहीं खरीदी, तो जनता को सस्ती देंगे, 8.40 रुपए यूनिट क्या 40% बनाने का काम किया इन लोगों ने? ये क्या मसला है, ये बिजली महंगी खरीद के बारे में आएंगे, पहले 2-3 विषय क्लियर करने जरूरी है। ACG स्मिथ फैक्ट्री 1996 से 1999 हरियाणा विकास पार्टी बीजेपी की सरकार थी, ACC जी जो पहली बंद हुई कालकाता जी, हाँ वो भी बीजेपी के साम्राज्य में, विकास पार्टी और बीजेपी, हाँ ठीक है, तो हाँ मतलब इन्हीं की बोलेंगे ना भाई गठबंधन की सरकार, हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक हाँ ठीक
एचएमटी का ट्रैक्टर यूनिट बीजेपी की सरकार में बंद हुआ, और जो पैसा देने की बात कर रहे हैं गुप्ता साहब, वो कर्मचारियों को वीआरएस के नाम का पैसा देना, उसके लिए पैसा मिला केंद्र सरकार से, उसको रिवाइव करने के लिए पैसा नहीं मिला। गुप्ता साहब आप कह रहे हैं कि वो वीआरएस का पैसा एचएमटी को चलाने के लिए दिया, बंद हो गया यूनिट आपके लगा रहे हैं। देश में एचएमटी का मशीन टूल यूनिट सारे देश में चल रहा है, ट्रैक्टर यूनिट पूरे देश में बंद कर दिया। तो एचएमटी क्योंकि ट्रैक्टर यूनिट पिंजौर का बड़ा था, सबसे बड़ा प्लांट था, वो बंद था। जो भंडारी जी ने कहा बिल्डर्स को दे रहे हैं, उसको मैं रिफाइंड करना चाह रहा हूँ। हरियाणा सरकार 400 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए वो फाइनल मंजूरी पे है, मतलब उसको जैसे नया इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किए हैं ऐसे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करेगी, और फिर उसको प्लॉट जैसे नीलामी में बेचते हैं वैसे नीलामी में बेचेगी जैसे कुछ करेगी। तो 400 एकड़ का ये बातचीत होगी, 400 एकड़ उसके लिए, उसमें बिल्डर्स आए या कौन आए वो बात नहीं। तीसरा विषय जो सुखो माजरी का बाईपास है, ये पहले तो नेशनल हाईवे बना परवानू तक का, शिमला जो जाना के फोर लेन का, अब नालागढ़ रोड को जोड़ने के लिए सुखो माजरी बाईपास के नाम से सूरजपुर से लाइन जाए। लैंड एक्वायर का सिस्टम 3 साल लग जाते हैं, लैंड एक्वायर हुई और अभी धरातल पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, पर उसके टेंडर शायद फाइनल हो गए हैं जो मुझे जानकारी। लैंड एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो वो पॉइंट उनको दे सकते हैं। हाँ कि ठीक है, मतलब इनिशिएटिव है और काम प्रोग्रेस में, ओवरनाइट नहीं होता है, मतलब उसमें गुप्ता जी को पास कर दें आप कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं ठीक है सर, जो जमीन पे अरे तो एकदम से तो मिलेगी नहीं। मैं कोई शशि रंजन थोड़ी, जब मैं बोल रहा हूँ तो जनता जनार्दन का वकील रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो जो पैसा एचएमटी को आया है वो वीआरएस के लिए आया है गुप्ता जी, वो वीआरएस के लिए आया है। देखिए एम्प्लॉइज के लिए आया, एम्प्लॉइज के आया तो एम्प्लॉइज का मतलब उनको चलाने के लिए थोड़ा आया। भारी जवानी में आप रिटायर करके घर भेज दें, उसको वीआरएस कहते हैं। वो ठीक है, वो उनकी मर्जी से है, ठीक है सर, जबरदस्ती से जबरदस्ती किसी, लेकिन वो वीआरएस के लिए पैसा है, उस यूनिट को जिंदा करने के लिए नहीं है। तो यूनिट तनख्वाह मिलेगी तभी चलेगा ना। अरे सर तनख्वाह थोड़ी हुआ, वीआरएस तो है अरे वीआरएस का मतलब है ये रहा पैसा, ये सूटकेस खरीदो, अपना सामान पैक करो और घर जाओ। नहीं वो ठीक है आपकी बात। हाँ। वो कोई जबरदस्ती किसी के साथ वीआरएस नहीं कर रहे, किसी को अगर लगता अरे वीआरएस में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती है, जबरदस्ती हुई है इसमें। हाँ। इसमें जबरदस्ती हुई है जी, जबरदस्ती हुई है, एचएमटी ने फाइनल किया है, कैबिनेट केंद्र सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसको बंद किया जाए। हाँ। उसके लिए मैं पहले पैसे का इंतजाम कर रहा था, पैसे इंतजाम होने में 1 साल लगा। हाँ। पैसा जब मिल गया तो कंपनी ने नोटिस लगा दिया कि इतनी तारीख तक जो आदमी यहाँ से जाना चाहता है ले ले इसको ब्याज पे ले। हाँ। 1000 कर्मचारियों से 850 कर्मचारियों ने उसको ऑफ किया। हाँ। 150 कर्मचारियों ने ऑफ नहीं किया। हाँ। उनको कोई पैसा नहीं मिला, वो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने पहले स्टे दे दिया और 24 जनवरी को बंद कर दी गई, या उन 150 कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिला। चलिए ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि ये 33,000 वोल्ट वाला शो है, वो इसलिए है सर कि यहाँ कुछ भी बोल करके आप जा नहीं सकते हैं, और अगर चले भी गए तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है ये पैसा वीआरएस का है के लिए आया है या उस यूनिट प्लांट को जिंदा करने के लिए आया है, ये बड़ा अहम है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, और पहले दूसरे तीसरे राउंड में जो उलट फेर है उसने मेरी भी धड़कनें बढ़ाई हुई हैं कि चौथा राउंड क्या होगा। इस ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चौथे राउंड का रुझान भी आने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारे साथ जनता टीवी पर यह खास कार्यक्रम, नाम है ब्लैक बॉक्स। जरा ये समझते रहिए और नेताओं को बोलते हुए सुनिए तो उनके चेहरे के भाव को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। टेलीविज़न का यही फ़ायदा है, उनके स्टेटमेंट को और उनके चेहरे के भाव को, दोनों को पढ़िए सर, आप सबसे बड़े पत्रकार हो जाएंगे। वही काम हम करते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने का। ये एक मसला पंचकूला करके अम्बाला को उस पूरे इलाके में लेके रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच जो टकराव की स्थिति रही उसकी वजह से इस पूरे इलाके का बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। लोग ये कहते हैं कि सरकार बदल गई है, चेहरे बदल गए। वो अपने क्रांतिकारी बाबा हैं अंबाला में अनिल वेद साहब, हालांकि वो रहते हैं अपना कैंट तक ही, खुद को सीमित रखने की कोशिश मैं उनको इसमें, चूंकि उनका पंचकूला में उतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्या वही कहानी सरकार बदल जाए, चेहरे बदल जाए,
एक्स की जगह वाई हो जाए, वाई की जगह जेड हो जाए, लेकिन स्थितियां वही रहती हैं। देखिए कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसका असर तो पूरे हरियाणा में है, उसमें पंचकूला छोटा कैसे रह सकता है। पंचकूला में शैलजा का गुट भी है, पंचकूला में अब क्योंकि अशोक तंवर अध्यक्ष रहे हैं, 4 साल हो गए हैं उनको, 5 साल में चल रहे हैं, उनका भी गुट है। और कभी किसी वक्त में आप चौधरी भजनलाल होते थे, उनका गुट भी वहां पर काम करता है क्योंकि उनके बेटे 4 बार यहां पर लगातार एमएलए रहे हैं चंद्रगांव, तो एक गुट उनका भी है जो बाद में हजका भी में चले गए थे, हजका बना ली थी, हजका को अब शामिल कर लिया है, तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहां 3 प्रकार के गुट, और चौथा गुट अभी अभी ताजा 1 साल के अंदर से पैदा हुआ रणदीप सुरजेवाला का, वो एक नया गोत्र है। अब केवल गुट बच रहा है तो किरण चौधरी का गुट बच रहा है, कोई किरण चौधरी का 1-2 आदमी है और कोई ज्यादा आदमी नहीं। ये अनाउंसमेंट है और जरा अलर्ट रहिए। ब्लैक बॉक्स वाणी है। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। फाइनल रुझानों के मुताबिक यहां 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काउंटिंग सेंटर। और ये रुझान है, अगर आज की तारीख में चुनाव हो, अंडरलाइन कर लीजिए, आज की तारीख में चुनाव हो तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं। क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार फैसला आखिरी गेंद पे भी होता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पंचकुला और कालका ये दो वैसे इलाके हैं जहां पर वो आप जाटों वाली बात करते हैं वो नहीं, तमाम तरह के दूसरे पहलू। कालका तो एक अर्बन एरिया है और सोफिस्टिकेटेड एरिया है, अगर ये है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी 1.5 साल का वक्त है। अभी 1.5 साल में पता नहीं क्या क्या होगा। अभी दलितों का मसला आ गया, बहुत तरह की बातें होती हैं। आप अपनी बात कर दीजिए और उसके बाद जरा रुझान भी समझा दीजिए कि ये रुझान आ रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखो कालका तो पंचकूला कालका का हिस्सा था, अगर हम ये 2 चुनाव छोड़ दें 2009 से 2014 में चुनाव छोड़े तो वहाँ पर 7 बार कांग्रेस जीती, और एक प्रकार से कालका सीट को कांग्रेस का हिस्सा माना जाता था क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर नहीं है। 2 बार INLD जीती है, 2009 में जब नई सीट कालका बनी है तो प्रदीप चौधरी जो सीमा चौधरी की जीत है वो जीती है, और कांति प्रकाश बना जीते हैं। और 97 में जब जनता पार्टी और ये सब लोग इकट्ठे थे तो एमरजेंसी के बाद उस वक्त लक्ष्मण सिंह जो है उस पार्टी में थे, लक्ष्मण सिंह एक बार इंडिपेंडेंट थे, एक बार वो इंडिपेंडेंट रहा, तो कालका को अब तक मान जाता भी कांग्रेस का वो रहा, लेकिन 2 चुनाव लगातार कांग्रेस वहां से हार रही है क्योंकि चंद्रमोहन दोनों बार से वहां से चुनाव नहीं लड़े, एक बार वहां पर सत्येंद्र राणा लड़े हैं और दूसरी दफा कांग्रेस मुनवीर कौर, और पिछले चुनाव में तो दोनों सीटों पे कांग्रेस नंबर 3 के नीचे चली गई और नंबर 2 पे रही INLD। पंचकूला शुरू से ही, पंचकूला में भाजपा का जोर था कभी किसी वक्त से, शुरू से ही जनसंघ से लेके, और मैंने 2003 में जब नगर परिषद पंचकूला के पहली दफा चुनाव हुए जिसमें पहली प्रधान सीमा चौधरी जी बने थे, तब मैंने कितने चुनाव जितने कैंडिडेट नंबर 203 के आसपास चुनाव कैंडिडेट खड़े हुए थे, बीजेपी टिकट पे लड़ी थी, और मैंने तब भी देखा था कि बीजेपी का उस वक्त भी बोलबाला पंचकूला में था, पंचकूला जो अर्बन क्षेत्र है जिससे ज्ञान सिंह गुप्ता जी MLA बने, पिछली दफा पंचकूला 2009 में DK बसल बन गए थे जो कि बाला कैंट से गए थे, लेकिन उसी दफा 2014 में गुप्ता जी ने उनको 3 नहीं गिनने दिए, DK बसल जी को हार गए। पंचकूला में बीजेपी का काफी स्कोप रहता है, कांग्रेस का भी स्कोप रहता है, और INLD का भी अब प्रत्याशी तरीके से पंचकूला में, पिछले साल 2009 में युवराज जी थे और इस दफा कुलभूषण गोयल वो भी पंचकूला के निवासी हैं, व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, उनको भी अच्छी वोट पड़ रही है, तो पंचकूला में तीनों ही पार्टियों का एक अच्छा जोर रहेगा तीनों में ना, अगर टिकट वितरण सही हुआ, हाँ वो तो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, TNC अप्लाइड है। सर ये आपके लिए शुभ संकेत है कि चलिए मतलब 2 नहीं था और पिछले बार तो 3 नंबर के भी नीचे थे, तो अभी के आज की तारीख में जो रुझान है 1 सीट कांग्रेस 1 सीट बीजेपी बढ़ा, अगर आज चुनाव हो जाए शशि रंजन जी तो दोनों की दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी। आज जो आपने ये रिजल्ट दिया है आप कह रहे हो, नहीं रुझान, आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, मुझे लगता कि उनके कार्यकर्ता और उनके लीडर खुश होंगे इस रिजल्ट से कि आपने उनको 1 सीट दे दी, क्योंकि उनको 1 सीट आ नहीं रही। हाँ उनकी दोनों की दोनों सीट उनको पता है, जिस तरह जनता ने
जनता जनार्दन सबसे बड़ी है प्रजातंत्र में, उन्हें हमें तीसरे नंबर पे रखा जो कि कांग्रेस का गढ़ है पंचकुला, तो आप नोट कर लीजिए इनको भी तीसरे नंबर पे रखेंगे और कांग्रेस वहाँ दोनों की दोनों सीट जीत के जाएगी। अच्छा, मतलब पहले और दूसरे कंडीशन में वो दोनों दूसरे नंबर दो पे ही रहेंगे आप? मतलब नंबर दो वाला सीट आपने कंफर्म करा लिया रिजर्वेशन? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पिछले जहाँ आप जो जनता में जाके देखो, आज बीजेपी की जब एक सीट दिखा रहे हैं, मैं दावे से कहते हैं दोनों सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी, ना ही कांग्रेस की, क्योंकि 15 साल कांग्रेस को भी देख लिया लोगों ने और अब 3.5 साल बीजेपी की भी देख लिए, तो पिछला वक्त लोग 25 साल 30 साल पहला वक्त याद कर रहे हैं कि एक कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी जब चौटाला साहब की सरकार थी, जब चंद्रमोहन जी वहाँ पे MLA थे, उनके होने के कारण भी इतने रिकॉर्ड तोड़ काम पंचकुला जिले में, जो आज लोग उसको याद कर रहे हैं, चाहे गोल्फ कोर्स ले लो, चाहे स्टेडियम ले लो, चाहे मतलब याद करके याद एंड रिजल्ट ये कि पक्का दो से दो दोनों नहीं, दोनों की दोनों सीटें NLD की पक्का आएंगी। अभी नंबर दो पे ही गाड़ी लगाने का एकदम मन बना, फर्स्ट नंबर पे आएगी जी, फर्स्ट नंबर पे आएगी, पहले पे आएगी दोनों सीटें। गुप्ता जी, खतरे के लिए घंटी है ये, मैं आपको, चूंकि आप तो मौजूदा विधायक हैं इसलिए मैं आपका BP कम नहीं करूंगा, और पॉलिसी मैटर है ये, है ना, कि हम हल्के वाइज नहीं बताते हैं कि है, तो हमारा तो रहता है सब लोग खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, तरुण जी भी खुश रहे, सीमा जी भी खुश रहे, कि जो एक आ रहा है वो हमारा वाला ही है और जो जा रहा है वो पड़ोसी वाला है, इसी में खुश रहिए, BP की दवा ना खानी पड़े। लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप 1.5 साल है अभी, अभी आपने सैंपल सर्वे करवाया है जी, और मैं समझता हूँ कि सैंपल ही करा सकते हैं इस प्रकार। देखिए अभी तक जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड के ऊपर काम आ रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर समान विकास की बात की है और ग्राउंड के ऊपर की है, आज उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं, बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई हैं जो बनकर के तैयार हो रही हैं, जो लोगों के सामने आ रही हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमें उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितने चिंता की जरूरत नहीं, हाँ, सब आपके घर में, हाँ बिल्कुल आपके यहाँ हो ही नहीं, हमारे हमारे घर में बंद कमरे में केक कटता है, हाँ, हाँ, और खाने वाला कहता है इस केक का क्या मजा, नहीं, जब दिल ही ना मिलता हो। नहीं नहीं, दिल सबका मिलता है, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। घर के अंदर माइक्रोफोन लगा के रखता हूं मैं। नहीं नहीं, हम भी हमारे, हमें अपने कार्यकर्ता पे, अपने मंत्रियों पे, अपने मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास है। हाँ, तो कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पे दिक्कत हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, कार्यकर्ता भी बिल्कुल खुश है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो थोड़ी बहुत नाराजगी है ये हमारे, ये हमारी नहीं, ये हमारे ही पार्टी के अंदर है कि कार्यकर्ता खुल करके अपनी बात कर सकता है, के अंदर खुल के अंदर। नहीं नहीं, चौधरी चौधरी वरिंदर सिंह जी, नहीं नहीं, मैं शशि रंजन जी एक बार बोल रहा हूं, इतना लोकतंत्र है, हमारे क्या इतना लोकतंत्र है कि लोग गर्दन तोड़ देते हैं? वो तो बिल्कुल सही बात, और ज्यादा लोकतंत्र है, नहीं, लोकतंत्र हमारा अनुशासन में है, अनुशासन के अंदर रह करके बात। मैंने तो अशोक तंवर जी से इंटरव्यू में पूछा कि जिसने गर्दन तोड़ी उसके ही गर्दन में माला डाली, तो वहाँ तो लोकतंत्र और ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ वो लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ वो लोकतंत्र नहीं, नहीं, हमारे यहाँ वो लोकतंत्र नहीं है, उस लोकतंत्र की तो कांग्रेस को ही मुबारक है। लेकिन हमें 3-4 साल में 2 से 1 हो गए, कहीं आने वाले 1.5 साल में 1 से 1 के बाद नीचे क्या होता है पता है? देखिए, आपने जो सर्वे कराया, जो आपने परिणाम रखे है, मैं उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारे पैमाने बाकी हैं जिनके ऊपर लोगों की नजर है, लोगों को, लोग देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, राजकुमार सैनी नई पार्टी बनाए, ये तो पता नहीं क्या क्या पार्टी से, देखिए अभी तक ये भी है, ये भी है, देखिए राजकुमार सैनी से नई पार्टी बनवाओ, उसका टिकट बंटवारा कर करके दिल्ली से भेजो, किस तरह की चुनाव के अंदर बहुत सारे बिंदु, बहुत सारी चीजें, आपने
आगाह किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ, लेकिन लेकिन जो वास्तविकता है वो इसके बिल्कुल जो हमारी दोनों की दोनों सीटें हैं 110% हम जीते। अरे सर मैं ये कहता हूँ 110% जीतेंगे। ये देखिए कि कौन से नस में खून नहीं बह रहा है, बिल्कुल मैं तो आपके कहाँ स्टंट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने जो सर्वे किया है, आपने जो परिणाम दिखाए हैं, मैं उससे आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नए बिंदु जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे नए चीजें सामने आएंगी, वो इलेक्शन के टाइम आएंगी और उसके बाद गुप्ता जी दिल के अच्छे आदमी हैं। और बोलिए, मैं और सुनना चाहता हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम में और कुछ आएंगे, जो कौन जैसे धर्म के आधार पे बांटने का फॉर्मूला, जाति के पांच ग्रुप है, किस पार्टी के किस नौकरियों का झांसा, इसको गुप्ता जी कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। देखिए अच्छा, ये चुनाव के वक्त में अभी और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा देखने को मिलेगा, कई विधायक इनके पार्टी छोड़ के जाएंगे, कई विधायक इनके पार्टी छोड़ के जाएंगे, ये भी होगा। अभी तो एक FIR हुई है, अभी तो एक अध्यक्ष की गर्दन टूटी है, पता नहीं कितनों की टूटनी है। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं कितने, आपकी जो हम तो ओपन लड़ाई लड़ते हैं, आप तो कमरों में गर्दन तोड़ते हो। नहीं बिल्कुल, आपके तो कार्यकर्ता आपके विधायक नहीं मानते, विधायक मंत्रिमंडल को मंत्री नहीं मानते, और आपके मंत्री मुख्यमंत्री नहीं मानते। रह करके हम अपनी बात करते हैं और जहाँ करने की होती है वहाँ करते हैं। लड़ाई झड़ाई कराने का काम आपका। मतलब गुप्ता जी आपके कहने का मतलब हुआ कि ये क्या मक्खी वक्खी पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मक्खी का भी वक्त में तो और भी बहुत कुछ होगा, सर ये पब्लिक है, सब जानती है। और गुप्ता जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा शो ही ऐसा है, 33,000 वोल्ट वाला करंट लगता है तो दिमाग से कम और लोग दिल से ज्यादा बोलते हैं। चुनाव के वक्त क्या होने वाला है, गुप्ता जी इतने क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि ये एक जो है वो दो वापस हो जाएगा? वो कह रहे चुनाव के वक्त में बहुत कुछ होगा, अभी ध्यान रखिए। साहब हम तो हर घर पे ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखिए, मक्खियों का भी और इन नेताओं का भी। और अगर मक्खियाँ दूर नहीं हो तो सब लोग एक एक झोले में मक्खी ले जाइए और इनके पीछे छोड़ दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जब घर जाएं और मक्खियाँ आपके घर के आसपास हो तो मुझे मत बोलिएगा, मैं तो पब्लिक को बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार आएंगे तो एक और डिस्ट्रिक्ट लेकर के आएंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार देखते रहिए जनता टीवी, यहाँ खबरों का दौर जारी है। और अगली बार नजर रखिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आने वाला है। सिर्फ इतना बता दूंगा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बीजेपी के लिए बड़ा अहम है, मौजूदा सरकार अगर है उस इलाके का बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ के एक सो कॉल्ड नेता जिनको कहा था मुख्यमंत्री बना देंगे, अब कहा था नहीं कहा नहीं पता मुझे, आजकल बड़े नाराज चल रहे हैं, सुना है कहीं कहीं चाय भी पी रहे हैं, खिचड़ी पक रही है, पकने दीजिए बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। We'll be right back.